अभी कार्यक्रम चल रहा था, चलते कार्यक्रम में और दीदी ने बहनों का कार्यक्रम देखा और मुझे कहा कि भाई बहनों के लिए, बहनों के विद्यालय में मेरी ओर से 11,000 रुपए की घोषणा करती हूँ। बहनों के लिए घोषणा के लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। मैंने साथ ही दीदी को एक और आग्रह किया था, हमारा एक बालिका विद्यालय शॉपिंग सेंटर विद्यालय है, वो भी कक्षा नर्सरी से द्वादश तक चलता है। दुर्योग से अभी थोड़ी आर्थिक स्थिति, मैंने उनका आग्रह किया और दीदी ने मेरा आग्रह स्वीकार किया। शॉपिंग सेंटर विद्यालय के लिए 51,000 रुपए की दीदी की ओर से सहयोग राशि की घोषणा, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यालय समिति, जिला समिति की ओर से आपका हृदय से आभारी हूँ और अपेक्षा करता हूँ भविष्य में भी इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। परिचय में बताया था आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, इससे ही हमें ध्यान में आ जाता है आपका समय कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब ने मुझे एक दो बार तो टालने का प्रयास भी किया था, पर मैं भी जिद का पक्का था। आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया, विद्यालय समिति की ओर से आपका आभारी हूँ। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे संघ के माननीय विभाग संघ चालक जी का, श्रीमान पन्नालाल जी भाई साहब अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला, आपका भी आभारी हूँ। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हम सबके आग्रह माननीय राधेश्याम जी भाई साहब का, आप हमारे आग्रह पर पधारे हैं। आभारी हूँ विद्यालय समिति का, समिति के सभी बंधु आज यहाँ पर पधारे। विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पधारे हुए आगंतुक महानुभाव का, माताओं का, बहनों का। जब जब भी विद्यालय आपको याद करता है आप पधारते हैं, साथ ही विशेष रूप से छोटे छोटे निर्णय भैया बहनों का जिन्होंने पूरे समय यहाँ पर रह करके इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है, आनंददायक बनाया है, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। पुनश्च सभी दीदी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।